रात का घना अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था। सुबह होने का इंतजार कर रही थी। पंछी यहां वहां चहचहा रहे थे। आज सदाको की आंखें कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल गईं। उसकी बहन और दोनों भाई अभी सोए हुए थे। सदाको ने अपने बड़े भाई मासाहिरो को चिल्लाकर उठाया, कब तक सोते रहोगे? याद है ना आज शांति दिवस है। जल्दी ही सदाको ने अपनी छोटी बहन और छोटे भाई को भी जगा दिया। सदाको ने जल्दी जल्दी बिस्तर बनाया और फिर रसोई में अपनी मां के पास गई। बोली, जल्दी से नाश्ता दो, मुझे अपने दोस्तों के संग मेले जाना है। मां सूप बनाने के लिए सब्जियां काट रही थी। उन्होंने सदाको को थोड़ा डांटते हुए कहा, तुम अब 11 साल की हो गई हो, तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। आज के दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने बम गिरने के कारण अपनी जान गंवाई थी। ये हमारे शहर हिरोशिमा के लिए बुरा दिन था। सदाको के पिता मिस्टर ससाकी ने कहा, आज ही के दिन बम गिरने के कारण तुम्हारी दादी की मौत हो गई थी। ये एक बड़ा ही अशुभ दिन है। थोड़ी देर बाद सारा परिवार एक मेज के सामने प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुआ। मेज पर दादी की फोटो एक फ्रेम में सजाई गई थी। मिस्टर ससाकी ने अपनी आंखों को बंद किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की, उन सब लोगों के लिए जिन्होंने एटम बम गिरने के कारण अपनी जान गंवाई है, और उनके लिए भी जो जिंदा तो हैं पर अनेक बीमारियों से लड़ रहे थे। एटम बम को गिरे पूरे 9 साल हो गए थे, पर उसकी किरणें, उसका जहर आज भी लोगों के अंदर डर बनकर बसा हुआ था। जब सारा परिवार घर से बाहर निकला तब तक सड़क पर काफी भीड़ हो चुकी थी। सदाको अपनी करीबी दोस्त सुजोको के साथ आगे दौड़ रही थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों फर्स्ट क्लास से ही हमेशा एक साथ रहती थी। सदाको ने कहा, जरा जल्दी चलो जिससे कि हम मेले को अच्छी तरह से देख सकें। सदाको, इस तेज धूप में जरा हल्के हल्के चलना, पीछे से मां ने नसीहत दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों लड़कियां तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। शांति पार्क में एक इमारत के सामने लोग चुपचाप खड़े थे। दीवार पर एटम बम से ध्वस्त शहर और मरने वाले लोगों के फोटो चिपके थे। ऐसा लगता था जैसे बम ने हिरोशिमा को एक रेगिस्तान में बदल दिया हो। मुझे एटम बम का धमाका याद है, सदाको ने अपने दोस्त से कहा। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों सूरज एक साथ चमके हों। पर तुम्हें कैसे याद रह सकता है, चुजोको बोली, उस समय तो तुम केवल 2 साल की रही होगी। हां, लेकिन मुझे याद है, सदाको ने कहा। बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना के बाद सैकड़ों सफेद कबूतरों को पिंजरे में से निकालकर खुले आसमान में छोड़ दिया गया। मेले में खाने पीने की बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थीं। उनसे निकल रही खाने की खुशबू सड़कों को महका रही थी, पर उसमें ऐसे भी लोग थे जिनके चेहरे पर सिर्फ निराशा थी। कुछ लोगों के चेहरे पर अभी भी बम से लगने वाले घाव के निशान थे। एटम बम की भीषण गर्मी से
उनके चेहरे झुलस गए थे। जब सूरज ढल गया तब आसमान में आतिशबाजी के करतब दिखाए गए। इसके बाद सभी लोग कागज की बनी लालटेन लेकर नदी की ओर चले। हर एक कागज की लालटेन के अंदर एक मोमबत्ती जलाई गई। लालटेनों के ऊपर मरे हुए लोगों का नाम लिखा गया। सदाको ने अपनी लालटेन पर अपनी दादी का नाम लिखा। फिर लालटेनों को नदी की धार में बहा दिया गया। लालटेनों का काफिला अंधेरे में जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहा था। पतझड़ का मौसम शुरू ही हुआ था। एक दिन सदाको स्कूल से दौड़ते हुए वापस आई। आते ही उसने मां को खुशखबरी सुनाई। आज तो बस गजब ही हो गया, मैं अपनी क्लास में रिले रेस के लिए चुनी गई हूं। सदाको ने खुशी से अपने बस्ते को हवा में उछालते हुए कहा, अगर मैं इसमें जीत गई तो अगले साल जूनियर हाई स्कूल की टीम में मेरा चुना जाना निश्चित है। अगर सदाको की कोई दिली तमन्ना थी तो ये थी, स्कूल की रेस की टीम में चुना जाना। उस दिन के बाद सदाको हर समय केवल रेस के बारे में सोचती। वो हर रोज स्कूल से दौड़ने का अभ्यास करती। अक्सर वो दौड़ते दौड़ते ही स्कूल से घर वापस आती। एक दिन उसके बड़े भाई मासाहिरो ने अपने पिता की घड़ी से सदाको के दौड़ने की गति को नापा। सदाको की तेज रफ्तार देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा लगता था जैसे हवा से बातें कर रही हो। आखिर रेस का दिन आ पहुंचा। बच्चों के मां बाप, रिश्तेदार और दोस्त खेलों को देखने के लिए स्कूल में जमा हुए। सदाको थोड़ी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था जैसे दौड़ के समय उसके पैर उठेंगे ही नहीं। दूसरी टीमों के खिलाड़ी हट्टे कट्टे थे। उसे थोड़ा डर लग रहा था। मां ने सदाको को समझाते हुए कहा, रेस से पहले थोड़ी सी घबराहट तो होती है, तुम फिक्र मत करो, मैदान पर पहुंचते ही देखना तुम फर्राटे से दौड़ोगी। अपनी मां के प्यार भरे शब्द सुनकर सदाको को थोड़ी हिम्मत मिली। उसका हौसला एकदम बुलंद हो गया। दौड़ के शुरू होने की सीटी बजी। सदाको का पूरा ध्यान बस रेस पर था, मानो समय रुक गया हो, बाकी दुनिया जहां गायब हो गया हो। रिले रेस में जैसे ही उसकी बारी आई, सदाको ने अपनी पूरी जान लगा दी। रेस खत्म होते ही वो जमीन पर लेट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि उसकी टीम जीत गई है, पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। सर्दियों के मौसम में सदाको अपनी रफ्तार को बेहतर करने के लिए अभ्यास करती रहती। स्कूल की टीम में जगह बनाने के लिए रोज अभ्यास जरूरी था। कई बार लंबी दौड़ के बाद उसका सर चकराने लगता, पर यह बात उसने किसी को नहीं बताई, अपने दोस्त को भी नहीं। पर उसके दिल में थोड़ी घबराहट तो थी। एक दिन मां ने सदाको से कहा, तुम्हारी उम्र की लड़की को अब किमोनो पहनना चाहिए। जैसे ही मेरे पास थोड़े पैसे आ जाएंगे तुम्हारे लिए एक सुंदर सा किमोनो खरीद दूंगी। सदाको ने किमोनो के वायदे के लिए अपनी मां का शुक्रिया अदा किया। दरअसल उसे किमोनो की कोई चाह नहीं थी। उसका दिल तो बस स्कूल की रेस में अटका था। कुछ हफ्ते तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फरवरी की ठंड में एक सुबह सदाको स्कूल के मैदान में दौड़ रही थी। अचानक उसे चक्कर आ गया। चक्कर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ी। एक टीचर ने झट से दौड़कर उसे उठाया।
मुझे लगता है मैं थोड़ा थक गई हूं, सदाको ने कमजोर आवाज में कहा। जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो वो दोबारा गिर पड़ी। मिस्टर ससाकी को बुलाया गया और सदाको को रेड क्रॉस हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में घुसते ही सदाको का दिल डर से कांप उठा। हॉस्पिटल का एक हिस्सा सिर्फ एटम बम से पैदा होने वाले बीमारी के रोगियों के लिए था। कुछ ही मिनटों में सदाको के सीने का एक्सरे लिया गया और उसके खून की जांच की गई। डॉक्टर नुमाटा ने सदाको का मुआयना किया और उसे कई सवाल पूछे। अब तक सदाको का पूरा परिवार अस्पताल पहुंच चुका था। सदाको ने अपनी मां को भारी आवाज में कहते सुना, ल्यूकीमिया, खून का कैंसर, ये कैसे हो सकता है? सदाको अब और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसने अपने दोनों हाथों से कानों को ढक लिया। थोड़ी देर में नर्स उसे हॉस्पिटल के कमरे में ले गई। नर्स ने सदाको को एक सूती किमोनो पहनने के लिए दिया। सदाको पलंग पर लेटी ही थी कि इतनी ही देर में उसके परिवार उससे मिलने आ गया। मां ने सदाको को अपने गले से लगाया, बोली, तुम्हें शायद कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़े, मैं हर रोज सुबह शाम तुमसे मिलने आऊंगी। सदाको के भाई बहनों ने रोज स्कूल के बाद उसके पास आने का वायदा किया। सदाको ने अपने पिता से पूछा, क्या मुझे सच में एटम बम का रोग हो गया है? मिस्टर ससाकी की आंखों में चिंता का भाव था। उन्होंने केवल इतना ही कहा, डॉक्टर तुम्हारे और जांच करना चाहते हैं, बस इसके लिए तुम्हें कुछ हफ्ते हॉस्पिटल में ही रहना होगा। कुछ हफ्ते? सदाको को हफ्ते सालों जैसे लगे। वो अब स्कूल की रेस में कैसे हिस्सा ले पाएगी? उसने अपना संयम बनाए रखने और न रोने की बहुत कोशिश की। सदाको को अब डर भी लग रहा था। उसे पता था कि बहुत से लोग जो हॉस्पिटल में आते हैं कभी भी वापस अपने घर नहीं जाते। उस रात वो घंटों तक रोती रही। इतना अकेलापन उसने आज तक महसूस नहीं किया था। किसी तरह अगला दिन आया। सदाको थोड़ी देर से उठी। नर्स ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और कहा, हॉस्पिटल में रोज ही इंजेक्शन लगेगा, जल्द ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। उस दिन दोपहर को सदाको की दोस्त चुजोको आई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने अपनी पीठ के पीछे कुछ छुपा रखा था। जरा अपनी आंखें बंद करो, उसने सदाको से कहा। सदाको ने कस कर अपनी आंखें भींच ली। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुछ रंगीन कागज और एक कैंची रखी थी। ये किस लिए? सदाको ने कागजों को घूरते हुए कहा। चुजोकू अपने आप से खुश थी, बोली, मैंने तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए एक तरीका खोजा है। फिर चुजोकू ने सुनहरे कागज से एक बड़ा चौकोन काटा और उसे मोड़कर एक सुंदर चिड़िया बना दी। सदाको को कुछ समझ में नहीं आया, पर यह कागज की चिड़िया मुझे कैसे ठीक करेगी? उसने पूछा। तुम्हें सारस पक्षी की पुरानी कहानी नहीं मालूम? चुजोको ने पूछा। सारस पक्षी 1000 साल तक जिंदा रहता है, और अगर कोई बीमार आदमी 1000 कागज के पक्षी बनाए तो भगवान उसे दोबारा स्वस्थ कर देते हैं।
उसने सदाको को कागज की चिड़ियां थमाते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारा पहला पक्षी। सदाको की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दिल से चिज़ोको को धन्यवाद दिया। अब सदाको चौकोर कागज को मोड़कर चिड़िया बनाने लगे। उसे थोड़ी मुश्किल हुई। देखने में सरल लगने वाली चिड़िया को बनाना इतना आसान नहीं था। चिज़ोको के मदद से सदाको ने कागज को मोड़कर पक्षी बनाना सीखा। काफी मेहनत के बाद 10 चिड़िया बन गई। फिर उसने उन सबको एक कतार में सजा दिया। कुछ चिड़िया एकदम ठीक नहीं बनी थी, एक तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब मुझे केवल 990 चिड़िया और बनानी है, सदाको ने कहा। उस सुनहरी चिड़िया के पास वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। कुछ ही हफ्तों में उसने सोचा वो 1000 कागज की चिड़िया बना लेगी, फिर उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो वापस घर चली जाएगी। जब सदाको का बड़ा भाई स्कूल से वापस आया तो चिड़ियों को देखकर उसने कहा, तुम्हारी मेज तो छोटी है, इस पर इतनी चिड़िया कैसे आएंगी? एक काम करता हूं, मैं इन चिड़ियों को छत से लटका देता हूं। सदाको बड़ी खुश थी, वो मुस्कुरा रही थी। तुम मुझसे वादा करो, मैं जितनी भी चिड़िया बनाऊंगी उन सबको तुम टांग दोगे, सदाको ने कहा। मासाहिरो ने यही वादा किया। फिर तो तुम्हें कुल मिलाकर 1000 चिड़ियों के लिए धागे लटकाने होंगे, सदाको ने कहा। उसकी आंखों में अब आशा की चमक थी। 1000? मासाहिरो बोला, कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे? इसके बाद नर्स से धागा और टेप मांगकर मासाहिरो ने पक्षियों को छत से लटकाना शुरू किया। शाम को मां के साथ छोटे भाई बहन सदाको से मिलने आए। हर एक कोई कागज की चिड़ियों को देखकर चकित हुआ। मां को छोटी हरी चिड़िया सबसे सुंदर लगी। जब सब लोग घर वापस चले गए तब सदाको कमरे में फिर एक बार अकेली रह गई। पर अब उसकी हिम्मत बनाए रखने के लिए कागज की चिड़ियां थी। 11, बस मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। 12, बस मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। सदाको कागज की चिड़ियों से घिर गई थी। सभी लोग उसके लिए कागज जमा करने लगे। उसकी दोस्त अपनी क्लास से रंगीन कागज लाती। उसके पिता अपनी दुकान में हर एक कागज का टुकड़ा संजो कर रखते। यहां तक कि नर्स भी दवाइयों के पैकेट के कागज को सदाको के लिए संभाल कर रखती। और उसका बड़ा भाई मासाहिरो अपने वायदे के अनुसार पक्षियों को धागों में पिरोता रहता और छत से लटका देता। अगले कुछ महीनों में कई बार ऐसा लगा मानो सदाको एकदम ठीक हो गई हो, पर डॉक्टर नुमाटा ने कहा सदाको को अस्पताल में रहना जरूरी है। अब तक सदाको को इस बात का पता चल चुका था कि उसे ल्यूकीमिया यानी खून का कैंसर है, पर वो ये बात भी जानती थी कि कुछ लोग इस बीमारी से एक दिन ठीक भी हो जाते हैं। उसने अपने स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे भरोसा था कि एक दिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। कुछ दिन सदाको पूरी तरह व्यस्त रहती, अपने स्कूल का काम करती, अपने दोस्तों को खत लिखती और मिलने आने वाले लोगों के साथ पहेलियां बुझाती, खेल खेलती, गाने गाती। शाम के वक्त वो कागजों को मोड़ मोड़ कर चिड़िया बनाती। अभी तक
300 से भी ज्यादा चिड़ियों का काफिला बन चुका था। चिड़िया मोड़ने में उसका हाथ साफ हो गया था। उसकी उंगलियां कागज के मोड़ों को अच्छी तरह पहचानने लगी थी। अब सभी चिड़िया सुंदर और सजीव बनने लगी थी। पर धीरे धीरे बीमारी शरीर में फैल रही थी। सदाको को दर्द का एहसास होने लगा। कभी कभी उसके सिर में इतना दर्द होता कि वो पढ़ ही नहीं पाती। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि हड्डियों में आग लग गई हो और वो गल रही हो। ऐसी तकलीफ के समय उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। सदाको को अक्सर कमजोरी महसूस होने लगी। वो सिर्फ खिड़की के बाहर खड़े पेड़ को टकटकी लगाए निहारती रहती, अपने बनाए पंछियों को अपनी गोद में लिए बैठी रहती। एक दिन सदाको बेहद कमजोरी महसूस कर रही थी जब नर्स उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर बरामदे में ले गई। वहां थोड़ी धूप थी। यहां पर पहली बार सदाको की मुलाकात केंजी से हुई। केंजी 9 साल का था पर अपनी उम्र से कहीं छोटा लगता था। सदाको को उसका चेहरा पसंद आया। हेलो, मैं सदाको हूं, केंजी ने बहुत हल्की सी आवाज में अपना नाम बताया। कुछ देर बाद दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बड़े पुराने दोस्त हों। केंजी बहुत समय से अस्पताल में था पर उससे बहुत कम लोग ही मिलने आते थे। केंजी ने अपने मां बाप को बम के वक्त ही खो दिया था और वो अपनी नानी के साथ रहता था। मेरी नानी इतनी बूढ़ी है कि वो हफ्ते में एक ही बार आ पाती है, केंजी बोला। सदाको केंजी के उदास चेहरे को देखती रही। केंजी बोला, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे खून का कैंसर हो गया है। पर तुम्हें ल्यूकेमिया कैसे हो सकता है, सदाको ने कहा, जब एटम बम गिरा था तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ये बीमारी मुझे अपने मां के शरीर से ही मिली है। सदाको को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सांत्वना दे। उसने केंजी को अपनी कागज के पक्षियों के बारे में बताया। अपने कमरे में आकर सदाको गहरी सोच में डूब गई। उसने सबसे अच्छे और रंगीन कागजों के कुछ पक्षी मोड़े और केंजी के लिए भेज दिए। शायद मेरे पंछी केंजी के दुख को दूर कर सके, उसने सोचा। फिर सदाको ने कुछ और कागज की चिड़ियां मोड़ी। 389, 390। इसके बाद केंजी और सदाको कुछ दिन लगातार मिलने लगे। एक दिन केंजी बरामदे में दिखाई नहीं दिया। नर्स ने आकर सदाको को बताया कि केंजी रात में चल बसा। सदाको ये दुख सह नहीं सके। दीवार की ओर मुड़कर वो सुबक सुबक कर रोने लगी। सदाको ने जब रोना बंद किया तब रात हो गई थी। उसने आसमान के झिलमिल तारों की ओर देखकर नर्स से बोला, क्या केंजी इनमें से कोई एक तारा है? नर्स बोली, वो जहां कहीं भी है मेरे ख्याल से अब ज्यादा खुश है। सदाको हवा में थिरकते पेड़ों के पत्तों की आवाजों को सुन रही थी। उसने पूछा, इसके बाद मैं भी मरूंगी ना? ऐसा नहीं बोलते,
नर्स ने सिर हिलाकर कहा। इसके बाद पलंग पर रंगीन कागज बिछाए और सदाको से नर्स बोली, सोने से पहले मुझे एक कागज का पक्षी बनाकर दिखाओ। जब तुम्हारी 1000 चिड़ियां पूरी हो जाएंगी तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सदाको को नर्स की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सावधानी से कई पक्षी मोड़े और आंखें बंद कर अपने ठीक होने की मन्नत मांगी। 463, 464, 465। जून आया और उसके साथ बारिश। दिन भर पानी की बूंदें खिड़की के कांच से टकराती रहती। सदाको का चेहरा अब पीला पड़ गया था। अब अस्पताल में केवल उसके माँ बाप और बड़े भाई को ही आने की इजाजत थी। उसके क्लास के कई बच्चे उसे मिलना चाहते थे, वो उसके लिए तोहफे भेजते थे। माँ की चिंता बढ़ रही थी क्योंकि सदाको ने अब खाना कम कर दिया था। एक दिन माँ सदाको के सबसे प्रिय पकवान बनाकर लाई, पर सदाको एक कौर ही खा पाए। उसके जबड़े सूज गए थे और उसे कुछ चबाया नहीं जा रहा था। सदाको का परिवार गरीब था, बड़ी मेहनत के बाद अच्छा पौष्टिक खाना जुटा पाते थे और वो भी सदाको गले से नहीं उतार पा रही थी। ये सोचकर सदाको की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने सदाको को अपने गले से चिपका लिया और बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। जिस दिन ये 1000 चिड़ियां पूरी हो जाएंगी तुम ठीक हो जाओगे। फिर माँ ने सदाको को स्कूल की किताब में से कुछ कविताएं सुनाई। जब बड़ा भाई आया तो उसने अपनी जेब से निकालकर एक चांदी के रंग का कागज दिया। यह हमारे छोटे भाई ने दिया है, उसके चॉकलेट का बचा हुआ कागज। शायद भगवान को चॉकलेट की खुशबू पसंद आए, सदाको ने कहा। यह सुनकर तीनों ठहाका मारकर हंसे। कितने दिनों बाद आज पहली बार सदाको हंसी थी। लग रहा था जैसे अब सब सही होगा। शायद चिड़ियों के जादू ने काम करना शुरू कर दिया था। सदाको ने चांदी के रंग वाले कागज को सीधा किया और एक चिड़िया और मुड़ी। 541। पर अब वो थक गई थी, उसमें चिड़िया मोड़ने की हिम्मत भी नहीं बची थी। माँ ने जाते हुए एक कविता दोहराई जिसे बचपन में सदाको सुनती थी। स्वर्ग के सुनहरे पक्षी, मेरे बच्चे को अपने पंखों से ढक दो। जुलाई का महीना खत्म होने को था। धूप निकल आई थी और हवा में गर्मी थी। सदाको को बेहतर महसूस हो रहा था। वो अपने बड़े भाई से बोली, मैं 1000 में से आधे से ज्यादा चिड़िया बना चुकी हूं, शायद इसलिए अब मैं ठीक हो रही हूं। कुछ ऐसा हुआ भी, उसकी भूख लौट आई और दर्द कम हो गया। डॉक्टर नुमाटा ने इस प्रगति पर खुशी जताई और उन्होंने सदाको को एक बार घर घुमाने की इजाजत दी थी। घर जाने की बात सुनकर सदाको इतनी खुश थी कि रात भर उसे नींद ही नहीं आई। रात भर वो कागजों को मोड़कर चिड़िया बनाती रही। 620, 621,
अपने घर आकर और परिवार के सभी लोगों से मिलकर सदा को बेहद खुश थी। घर के लोगों ने उसके आने पर घर को रगड़ रगड़ कर साफ किया था। सदा को की चिड़ियां उसके साथ लाई गई। अच्छे खाने की खुशबू से घर महक रहा था। सदा को सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद अब वो घर पर रह सकेगी, शायद उसे अस्पताल वापस नहीं जाना पड़ेगा। कई दिनों तक ससा के परिवार के तमाम रिश्तेदार और दोस्त सदा को से मिलने आते, पर एक हफ्ते के बाद ही सदा को के चेहरे पर थकान साफ झलकने लगी। वो चुपचाप बैठी रहती और आने जाने वालों को सिर्फ देखती रहती। सदा को की कमजोर हालत देखकर सब लोग दुखी थे। मां को बार बार तेज दौड़ने वाली अपनी प्यारी और चंचल सदा को की याद आती। अगले ही दिन सदा को वापस अस्पताल जाना पड़ा। अब वह अस्पताल के शांत एकांत कमरे में खुश थी। मां बाप थोड़ी देर तक उसके साथ बैठे रहे। सदा को अपनी नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। मां को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सदा को का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। पिता ने कहा, सदा को बस कुछ चिड़िया और फिर तुम ठीक हो जाओगी। उस दिन के बाद लगभग हर एक दिन डॉक्टर नुमाटा सदाको को खून चढ़ाते। मुझे मालूम है तुम बहुत कष्ट में हो, वो कहते, पर हमें तो कोशिश करती रहनी पड़ेगी। सदाको अपना सर हिलाती। वो अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताती थी। शायद एक बहुत गहरा दुख उसके भीतर पनप रहा था। ये था मौत का डर। बीमारी के साथ साथ उसे इस डर से भी लड़ना था। चिड़िया इस संघर्ष में उसकी साथी थी। वो सदा को की उम्मीद जगाए रखती थी। मां अब अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा समय बिताती थी। अपनी मां के चेहरे को चिंता में डूबा देखकर सदाको का दिल बैठ जाता था। पेड़ों के पत्ते अब रंग बदलने लगे थे। अब आखिरी बार पूरा परिवार सदाको से मिलने आया। उसके भाई ने उसे एक डब्बा दिया जो सुनहरे कागज में लिपटा था और लाल रिबन से बंधा था। हल्के हल्के सदाको ने डिब्बे को खोला। डिब्बे के अंदर सदाको के लिए एक सुंदर रेशम का किमोनो था। उस पर चेरी के फूलों की कढ़ाई थी। मां ने कितने अरमानों से उसे बनाया था। किमोनो देखकर सदाको रो पड़ी। तुमने ये क्यों बनाया, उसने मुलायम रेशम को छूते हुए बोला। मैं इसे कभी नहीं पहन पाऊंगी। ये रेशम कितना महंगा है। सदाको, तुम्हारी मां ने कल रात भर जाग कर इसे पूरा किया है। अपनी मां की खातिर इसे एक बार पहन लो, पिता बोले। बड़ी कोशिश करने के बाद सदाको पलंग से उठी। मां ने किमोनो पहनने में उसकी मदद की। एक एक कदम हल्के हल्के रखते हुए वो खिड़की की तरफ बढ़ी और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। सब लोग कह रहे थे कि रेशम के किमोनो में सदाको एकदम राजकुमारी जैसी लग रही है। सदाको की दोस्त चुजोको भी उससे मिलने आई। जब उसने किमोनो में सदाको को देखा तो बोली, तुम इसमें स्कूल ड्रेस के मुकाबले ज्यादा अच्छी लगती हो। सभी लोग हंसे
सदा को भी हंसी। फिर मैं ठीक होने के बाद हर रोज किमोनो में ही स्कूल जाया करूंगी, सदाको ने मजाक में कहा। कुछ देर तो ऐसा लगा जैसे घर का पुराना माहौल लौट आया हो। उन्होंने अंताक्षरी खेली, सदाको के मनपसंद गाने गाए। इस बीच सदाको कुर्सी पर चुपचाप बैठी रही, अपना दर्द छुपाए रही। घर वापस जाते वक्त माँ बाप के चेहरे पर खुशी थी। सोने से पहले सदाको केवल एक और कागज की चिड़िया बना पाए, 644। ये सदाको की बनाई आखिरी चिड़िया थी। मौसम बदलते रहे पर सदाको की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसे अब दिन और रात के बीच का फर्क मालूम चलना बंद हो गया। कभी कभी वो होश में आती और उसका हाथ कागज की ओर बढ़ता, पर उसमें अब उतनी शक्ति नहीं थी कि उसे मोड़ सके, कुछ और चिड़िया बना सके। डॉक्टर उसके सर पर हाथ फेर कर बोलते, थोड़ा आराम कर लो, चिड़िया कल बना लेना। कल, कल उसके लिए अब बहुत दूर था। जब आखिरी बार सदाको ने आंख खोली तो उसका सारा परिवार उसके पास था। सदाको उन्हें देखकर मुस्कुराए। वो हमेशा हमेशा के लिए उनके दिल में रहने वाली थी। एक आखिरी बार उसने सैकड़ों लहलहाती चिड़ियों की ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सदा को 12 साल की छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो कागज की हजार चिड़िया तो नहीं बना पाए, पर उसकी इस कोशिश ने दुनिया में हजारों लाखों लोगों को प्रेरित किया। जापान ही नहीं, पूरे दुनिया में लोग इन कागज की चिड़ियों को शांति का प्रतीक मानते हैं और वो जब भी किसी अपने या इस दुनिया के लिए कोई दुआ मांगते हैं तो रंगीन कागज को मोड़ मोड़ कर कागज की क्रेन बनाते हैं और इनको धागे में पिरो देते हैं।